चलो बहू आ गई है, अब घर के काम से छुटकारा मिलेगा मुझे। लेकिन माँ, छुटकारा आपको सिर्फ शाम को मिलेगा, दिन में तो भारती ऑफिस में होगी। तो अब जॉब छोड़ देगी ना? हमारे घर की बहू बेटियां कब बाहर जाके नौकरियां करने लगी? मम्मी जी, मैं जॉब नहीं छोड़ सकती। मनीष, तुम समझाओ ना। ये क्या समझाएगा मुझे, हमारे घर की बहुएं बाहर जाके काम वाम नहीं करती हैं, समझ गई? मनीष, मुझे दोबारा ये बात ना समझानी पड़े। मनीष, मैंने पहले ही कहा था कि मैं जॉब नहीं छोड़ सकती। ये सिर्फ मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि मेरे भाई की पढ़ाई भी इसी पे डिपेंड करती है, एंड यू नो दैट। भारती, आई एम रियली सॉरी यार, मैंने आज तक माँ की कोई बात नहीं टाली। और रहा सवाल तुम्हारे भाई की पढ़ाई का, तो मैं हेल्प कर दूंगा ना यार। तुम कब तक हेल्प करोगे? और फिर मुझे भी तो इंडिपेंडेंट होकर। भारती, मेरे बॉस का कॉल आ रहा है यार, मुझे निकलना पड़ेगा। ठीक है, पर मनीष मेरी बात तो प्लीज एडजस्ट कर लो ना मेरे लिए, तुम प्लीज। अरे बहू, कहाँ जा रही हो? मम्मी जी, वो मैंने आपको बताया था ना, मेरी फ्रेंड के यहाँ फंक्शन होने वाला है, बस वहीं जा रही थी। वो तो कल है ना? हाँ, लेकिन उसकी बेटी का फर्स्ट बर्थडे है, इसलिए उसने मुझे आज ही बुला लिया। कोई ज़रूरत नहीं है, अंदर जाओ और काम करो। मम्मी जी, मैंने सारे काम कर दिए हैं और रात का खाना भी बना दिया है। अब जब सब काम हो चुके हैं, मैं अपनी फ्रेंड की मदद कर दूंगी तो क्या हो जाएगा? दिक्कत काम की नहीं है, दिक्कत है ये यारी दोस्ती। लड़की का काम शादी के बाद होता है घर संभालना, ना कि दोस्ती यारी निभाना। मम्मी जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? वो मेरी बचपन की दोस्त। देखो, मुझे ये बहस पसंद नहीं, जो बोल दिया है सुन लिया करो चुपचाप। जाओ अंदर। तेरे से एक बात करनी थी। हाँ बोलो ना माँ। तुझे नहीं लगता है बहू ज्यादा खर्चा करती है बिना बात की चीजों पर? ऐसे तो कोई फालतू खर्चे नहीं करती वो, जो भी सामान लाती है घर के लिए तो लाती है। पर उसके हमें पैसा देना ही क्यों है? माँ, उसने जॉब छोड़ दी है, अगर उसे कोई चीज चाहिए होगी तो मुझसे ही मांगेगी ना। देख, ना इस घर में मैंने मालिकाना किया है, ना इस घर की औरतों ने, मुझे ये सब ठीक नहीं लगता है बस। माँ, आप उसके साथ गलत कर रहे हो। अब मैं ही गलत होंगी ना, इस घर में जब तक मैं हूँ मेरे मुताबिक चलेगा, तुझे ठीक नहीं लगता मैं घर छोड़ के चली जाती हूँ। कैसी बच्चों वाली बात कर रहे हो आप? तो हाँ या ना बोल बस। ठीक है, उसके हाथ में पैसे नहीं दूंगा मैं। अब खुश हो आप? क्या हुआ, तुम ये सामान क्यों पैक कर रही हो? मैं जा रही हूँ। जा रही हूँ मतलब? मतलब मुझे और नहीं रहना यहाँ पे। पर क्यों? क्यों? तुम्हें नहीं पता क्यों? यार, तुम माँ की छोटी छोटी बातों को दिल से इतना लगा रही हो कि घर छोड़ के जा रही हो, ये गलत बात है यार। देखो, थोड़ा एडजस्ट तो करना पड़ता है। एडजस्ट? मैंने तुम्हारा पूरा घर संभाल लिया, अपने दोस्तों से मिलना छोड़ दिया, अपनी जॉब तक छोड़ दी, तुम पे डिपेंड हो गई, और कितना एडजस्ट करूं? और एडजस्ट नहीं होगा मुझसे, इसलिए मैं जा रही हूं। भारती, भारती मेरी बात तो सुनो। भारती प्लीज, हम बात करें। भारती, ये कहां चलेगी बिना पूछे? थक गई थी वो एडजस्ट करते करते, घर छोड़ के चली गई। अब आपको किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। Thank you.
माँ मुझे भूख लग रही है, खाना लगा दो। बेटा तुम बाहर से मंगा के कुछ खा ले, मैं सुबह से काम कर करके थक चुकी हूँ। बाहर से क्यों, आपने खाना नहीं बनाया? मैंने कहा ना, मैं सुबह से काम कर करके थक चुकी हूँ। इतनी कम उम्र तो मेरी बची नहीं कि मैं घर का सारा काम अकेले निपटा लूँ। माँ मुझे 2 दिन से प्रॉब्लम हो रही है, मैं बाहर का खाना नहीं खा सकता, आपको घर में खाना बनाना ही पड़ेगा। तो तूने मेरी तबीयत के बारे में तो पूछा नहीं, ऊपर से ऑर्डर दिए जा रहे हैं। ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो माँ, एडजस्ट कर लो ना थोड़ा। ओवर रिएक्ट कैसी बातें कर रहा है, क्या हो गया तुझे? क्यों, आप भी तो भारती से ऐसी बात करते थे। आपने उसकी जॉब छुड़वा दी, उसका दोस्तों से मिलना छुड़वा दिया, यहां तक कि जो मैं उसे पैसे देता था वो भी बंद करवा दिए। और जब वो रीजन मांगती थी इन सब चीजों का तो आप बोलते थे एडजस्ट कर लो। आज आपको मैं शायद बहुत बुरा लग रहा हूं ये बातें करते हुआ, लेकिन भारती रोज यही सब फील करती थी। मैं एक लड़की अपना सब कुछ छोड़कर आती है और बदले में उसकी सारी आजादी हम छीन लेते हैं, उसके ऊपर इतना बर्डन डाल देते हैं कि वो झेल ही ना पाए। अंडरस्टैंडिंग नाम की चीज होती है माँ। कल को आपकी बेटी के साथ कोई ऐसा करे तो कैसा लगेगा आपको? तो सही कह रहे बेटा, मैंने बहुत गलत किया है भारती के साथ और मैं उससे माफी मांगना चाहती हूँ। तो उसे एक बार ले आ वापस। आपने इससे की माफी तो मैं उससे मांग लूंगा, लेकिन अगर आप खुद उसे कॉल करके बुलाएंगे तो उसे ज्यादा अच्छा लगेगा। भारती बेटा। नमस्ते मम्मी जी। मुझे पता नहीं कि तुम मुझे माफ कर पाओगी या नहीं, पर मैंने जिम्मेदारियां देने के नाम पर तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। तुम्हारे जाने के बाद मुझे अपनी गलती का एहसास भी हो गया है। बेटा तुम एक बार घर वापस आ जाओ, हम मिलके घर संभाल लेंगे, और तुम अपनी जॉब पे वापस भी जा सकती हो, मैं कुछ नहीं कहूंगी। तुम एक बार घर वापस आ जाओगी तो मुझे लगेगा कि तुमने मुझे माफ किया। अरे नहीं मम्मी जी, बड़े ऐसे माफी मांगते हुए अच्छे नहीं लगते। आपको इस बात का एहसास हुआ कि किसी का इंडिपेंडेंट होना कितना जरूरी है, मेरे लिए यही काफी है। और हाँ मम्मी जी, कल मैं घर वापस आ रही हूँ। ठीक है बेटा। Arrogance and over-smartness usually lead to disaster. Let's try and avoid it. That's it for this story. See you next week. Khuda hafiz and stay positive. If you are going through any psychological or relationship problem, then you can join our positivity group by the name of Nijo Positive. It's a community counseling group wherein you can submit your problems anonymously and people in the group will try to solve it or support you with positivity. The link is in the description below. Thank you. Bye-bye.